जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 08517 कोरबा विशाखपट्टनम एक्सप्रेस कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन कोरबा और विशाखापट्टनम जंक्शन स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 16 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 730 किलोमीटर की दूरी लगभग 15 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 13 स्लीपर क्लास और 3 सेकंड सीटिंग कोच लगते हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले कोरबा स्टेशन पर आकर रुक जाती है और शाम 4:10 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट चांपा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जांजगीर नैला स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:59 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट अकलतरा स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:13 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बिलासपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 6 बजे पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट भाटापारा स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:56 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट तिल्दा नेवरा स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:18 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट रायपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहां पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहां से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट महासमुंद स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:08 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट खरियार रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट कंटाबांजी स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट टिटलागढ़ जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट केसिंगा स्टेशन है और यहां ट्रेन 12:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट रायगढ़ा स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:30 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट पार्वतीपुरम स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:20 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट बोबिली जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 4:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट विजयनगरम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:40 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां और आखिरी हॉल्ट विशाखापट्टनम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:00 पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूले। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।